प्यारे विद्यार्थियों, सत श्री अकाल। सो अज दी इस वीडियो विच असी कंप्यूटर साइंस जमात 8वीं दे पार्ट 1 तो लैके पार्ट 5 तक दी दोहराई लैके हाजिर हुए हाँ। सो इस पूरी वीडियो दे दौरान असी खाली थावां सही गलत छोटे उत्तर वाले प्रश्न अते वड्डे उत्तर वाले प्रश्न उत्तरां नूं कवर करन दी कोशिश करांगे। सो आओ असी हुण इस वीडियो नूं स्टार्ट करदे हाँ। साडे कोल सब तो पहलां पार्ट 1 दे खाली थावां ने, जिस विच साडे कोल पहली खाली थां है वक् वक् सैलां विच अगे जाण लई टेबल विच डैश की दी वरतों की जाती है। तो साडे कोल इसदे ऑप्शन ने कंट्रोल, शिफ्ट, टैब या होम। तो साडे कोल इसदा सही आंसर है वक् वक् सैलां विच अगे जाण लई टेबल विच टैब की दी वरतों की जाती है। दूसरा साडे कोल प्रश्न खाली थां है, टेबल बटन डैश टैब विच मौजूद हुंदा है। साडे कोल इसदे ऑप्शन ने होम, लेआउट, इनसर्ट या व्यू। तो साडे कोल दा सही आंसर है उत्तर है टेबल बटन इनसर्ट टैब विच मौजूद हुंदा है। अगे साडे कोल तीसरी खाली थां है, असीं कॉलम दी चौड़ाई टेबल ग्रुप दे डैश बटन तों बदल सकदे हां। साडे कोल दे ऑप्शन है सिलेक्ट, व्यू, ग्रिड लाइन या प्रॉपर्टीज। तो साडे कोल दा सही उत्तर है असीं कॉलम दी चौड़ाई टेबल ग्रुप दे प्रॉपर्टी बटन तों बदल सकदे हां। अगे साडे कोल चौथी खाली थां है, डैश विच टैक्सट हुंदा है जो सारियां चिट्ठियां प्राप्त करन वालियां नूं भेजिया जांदा है। तो साडे कोल दे ऑप्शन है डाटा सोर्स, मर्ज डाकूमेंट, मेन डाकूमेंट या कोई भी नहीं। साडे कोल दा सही उत्तर है डाकूमेंट विच टैक्सट हुंदा है जो सारियां चिट्ठियां प्राप्त करन वालियां नूं भेजिया जांदा है। अगे साडे कोल पंजवीं खाली थां है, डैश विच मेलिंग लिस्ट हुंदी है। साडे कोल दे ऑप्शन ने डाटा सोर्स, मर्ज डॉक्यूमेंट, सारे ही या कोई भी नहीं। तो साडे कोल दा सही उत्तर है डाटा सोर्स विच मेलिंग लिस्ट हुंदी है। अगे साडे कोल सही गल दसो, पहला साडे कोल सही गलत है शिफ्ट प्लस टैब की नाल अगले सैल विच जांदे हन, गलत। अगला है दूसरा, रो अते कॉलम दे कार्ट नूं सैल कहिंदे हन, सही। तीसरा है डाटा सोर्स वर्ड दा ओह डॉक्यूमेंट हुंदा है जिस विच दूसरियां नूं भेजी जाण वाली सूची हुंदी है, गलत। चौथा है टेबल ग्रुप विच स्प्लिट ऑप्शन हुंदी है जिस विच दूसरियां नूं भेजी जाण वाली सूचना हुंदी है, सही। पंजवां है सैलां नूं टेबल विच मर्ज नहीं कीता जांदा, गलत। अगे साडे कोल छोटे उत्तर वाले प्रश्न है। पहला प्रश्न है डॉक्यूमेंट विच टेबल इनसर्ट करन दे किसे इक तरीके दा नाम दसो। डॉक्यूमेंट विच टेबल इनसर्ट करने के कई तरीके हैं, इन्हां विचों मुख्य तरीके इस प्रकार हैं। पहला है ड्रा टेबल, दूसरा टेबल बटन की वरतों नाल, तीसरा है इनसर्ट टेबल ऑप्शन की वरतों नाल। अगे साडे कोल दूसरा प्रश्न है स्प्लिट सैल ऑप्शन की वरतों बारे दसो। सो स्प्लिट सैल का मतलब हुंदा है वंडना। स्प्लिट सैल ऑप्शन की वरतों करके असीं टेबल के किसी सैल नूं दो या दो तो वध सैलां विच वंड सकते हैं, जिवें कि तुसीं सज्जे पासे चित्र भी देख पा रहे हो। एम एस वर्ड विच इस ऑप्शन नाल असीं एक सैल नूं कई रो या कॉलमां विच वंड सकते हाँ। अगे साडे कोल तीसरा प्रश्न है कोई एक तरीका दसो जिस द्वारा कॉलम की चौड़ाई बदल सकते हाँ। सो कॉलम की चौड़ाई बदलने के लिए कई तरीके हैं, माउस की सहायता नाल कॉलम की चौड़ाई आसानी नाल बदली जा सकती है। कॉलम की चौड़ाई बदलने लिए माउस पॉइंटर नूं कॉलम के बॉर्डर ते लैके जाओ अते क्लिक अते ड्रैग करते हुए बॉर्डर नूं लोड़ींदी चौड़ाई तक खिंचो। इस तरह माउस की मदद नाल कॉलम की चौड़ाई बदल सकते हाँ। अगे साडे कोल चौथा प्रश्न है मर्ज सैल ऑप्शन की वरतों दसो। सो मर्ज का मतलब हुंदा है जोड़ना या इकट्ठा करना। मर्ज सैल ऑप्शन की वरतों नाल असीं दो या दो तो वध सैलां नूं मर्ज करके उसका एक सैल बना सकते हाँ, जिवें कि तुसीं सज्जे चित्र भी देख पा रहे हो। एम एस वर्ड विच इस ऑप्शन की वरतों नाल असीं कई रो या कॉलमां नूं एक सैल विच मर्ज या इकट्ठा कर सकते हाँ। यह ऑप्शन टेबल दे लेआउट टैब विच मौजूद हुंदी है। अगे साडे कोल पंजवां प्रश्न है डाटा सोर्स की है। मेल मर्ज एम एस वर्ड विच वरती जाण वाली एक महत्वपूर्ण ऑप्शन है। डाटा सोर्स विच वख-वख पतियां दी एक लिस्ट हुंदी है। इस लिस्ट की वरतों मेल मर्ज की वरतों करते हुए वक्-वक् पतियां लई चिट्ठियां तैयार करने की जाती है। डाटा सोर्स और मुख्य डॉक्यूमेंट को इकट्ठा करके मर्ज डॉक्यूमेंट तैयार किया जाता है। अगे छेवां प्रश्न है मुख्य डॉक्यूमेंट की होंदा है।
ਮੇਲ ਮਰਜ ਐਮਐਸ ਵਰਡ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਉਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਤਿਆਂ ਉੱਪਰ ਭੇਜੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਾਂਝੀ ਸੂਚਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਡਾਟਾ ਸੋਰਸ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਮਰਜ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਉਤਰ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਮੇਲ ਮਰਜ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਮੇਲ ਮਰਜ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਸਟੈਪ ਦੱਸੋ। ਸੋ ਮੇਲ ਮਰਜ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੱਤਰ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਵਾਰ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਤੋਂ ਪਤਾ ਬਦਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਲੰਮਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਮੇਲ ਮਰਜ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਐਮਐਸ ਵਰਡ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਖੋਲ੍ਹੋ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਤਿਆਂ 'ਤੇ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੈਪ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਹੈ ਮੇਲਿੰਗ ਟੈਬ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ, ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਸਟਾਰਟ ਮੇਲ ਮਰਜ ਬਟਨ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ, ਤੀਸਰਾ ਹੈ ਸਟੈਪ ਬਾਏ ਸਟੈਪ ਮੇਲ ਮਰਜ ਵਿਜ਼ਾਰਡ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ, ਚੌਥਾ ਹੈ ਮੇਲ ਮਰਜ ਟਾਸਕ ਪੈਨ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਲੈਟਰ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਿਲੈਕਟ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਟਾਈਪ ਆਪ ਸੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲੈਟਰ ਆਪਸ਼ਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ। ਛੇਵਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਆਪਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ, ਸੱਤਵਾਂ ਹੈ ਯੂਜ਼ ਦਾ ਕਰੰਟ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਆਪਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ, ਅੱਠਵਾਂ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਸਿਲੈਕਟ ਰੈਸੀਪੀਐਂਟ ਆਪਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ, ਨੌਵਾਂ ਹੈ ਟਾਈਪ ਹੈ ਲਿਸਟ ਆਪਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ, ਕ੍ਰੀਏਟ ਆਪਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ, ਗਿਆਰਵਾਂ ਹੈ ਨਿਊ ਐਡਰੈਸ ਲਿਸਟ ਡਾਇਲੋਗ ਬਾਕਸ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗਾ, ਕਸਟਮਾਈਜ਼ ਕੋਲਮ ਬਟਨ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਕਸਟਮਾਈਜ਼ ਐਡਰੈਸ ਲਿਸਟ ਡਾਇਲੋਗ ਬਾਕਸ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ, ਐਡ ਬਟਨ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਕੋਲਮ ਪਾਓ, ਜਿਸ ਕੋਲਮ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਡਿਲੀਟ ਕਰਨ ਲਈ ਡਿਲੀਟ ਬਟਨ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਓਕੇ ਬਟਨ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਤੇਰਵਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਨਿਊ ਐਡਰੈਸ ਲਿਸਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਸੰਬੰਧਿਤ ਡਾਟਾ ਭਰੋ। ਚੌਦਵਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਨਵੇਂ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਨਿਊ ਐਂਟਰੀ ਬਟਨ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ, ਸਟੈਪ 14 ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾਖਲ ਕਰੋ। ਸੋਲਵਾਂ ਹੈ ਓਕੇ ਬਟਨ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੇਵ ਐਡਰੈਸ ਲਿਸਟ ਡਾਇਲੋਗ ਬਾਕਸ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ, ਫਾਈਲ ਦਾ ਨਾਮ ਟਾਈਪ ਕਰੋ, ਸੇਵ ਬਟਨ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ, ਮੇਲ ਮਰਜ ਰੈਸੀਪੀਐਂਟ ਡਾਇਲੋਗ ਬਾਕਸ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਰੈਸੀਪੀਐਂਟ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਸ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਚੈੱਕ ਬਾਕਸ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਡੀਸਲੈਕਟ ਕਰ ਲਵੋ ਅਤੇ ਓਕੇ ਬਟਨ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 22ਵਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਹੁਣ ਟਾਸਕ ਪੈਨ 'ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਰਾਈਟ ਯੋਰ ਲੈਟਰ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕਰਸਰ ਨੂੰ ਉਸ ਥਾਂ 'ਤੇ ਰੱਖੋ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਮਰਜ ਫੀਲਡ ਦਾਖਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਇਨਸਰਟ ਮਰਜ ਫੀਲਡ ਬਟਨ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ, ਉਸ ਫੀਲਡ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਸਟੈਪ 23, 24 ਅਤੇ 25 ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਰਹੋ, ਲੋੜੀਂਦੀ ਫੀਲਡ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰੋ। ਟਾਸਕ ਪੈਨ 'ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਪ੍ਰੀਵਿਊ ਯੂਅਰ ਲੈਟਰ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗਾ, ਨੈਕਸਟ ਬਟਨ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਅਗਲਾ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਬਟਨ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਪਿਛਲਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਕੰਪਲੀਟ ਦਾ ਮਰਜ ਆਪਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਮੇਲ ਮਰਜ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਤਿਆਰ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਮਰਜ ਚਿੱਠੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਜਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਾਖਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕਰਨ ਲਈ ਐਡਿਟ ਇੰਡੀਵਿਜੁਅਲ ਲੈਟਰ ਆਪਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ, ਮਰਜ ਟੂ ਨਿਊ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਡਾਇਲੋਗ ਬਾਕਸ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ, ਆਲ ਆਪਸ਼ਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ ਅਤੇ ਓਕੇ ਬਟਨ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੂਸਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਟੇਬਲ ਕਿਵੇਂ ਇੰਸਰਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰੋ। ਸੋ ਐਮਐਸ ਵਰਡ ਵਿੱਚ ਟੇਬਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਟੇਬਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਰਟ ਟੈਬ ਦੇ ਟੇਬਲ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਟੇਬਲ ਬਣਨ ਬਟਨ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਟੇਬਲ ਬਟਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂਗੇ। ਆਪਣੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਉਸ ਥਾਂ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਟੇਬਲ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਇਨਸਰਟ ਟੈਬ 'ਤੇ ਟੇਬਲ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਟੇਬਲ ਬਟਨ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ, ਗ੍ਰਿਡ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਰੋਜ਼ ਅਤੇ ਕੋਲਮ ਉੱਤੇ ਮਾਊਸ ਪੁਆਇੰਟਰ ਨੂੰ ਘੁਮਾਓ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦੇ ਵਰਕਿੰਗ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਟੇਬਲ ਇਨਸਰਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੀਸਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਵੱਡਾ, ਟੇਬਲ ਦੀ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸੋ। ਸੋ ਟੇਬਲ ਦੀ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਬਦਲਣ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟੈਪ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਰਸਰ ਨੂੰ ਟੇਬਲ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਰੱਖੋ, ਲੇਆਊਟ ਟੈਬ ਉੱਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ, ਟੇਬਲ ਗਰੁੱਪ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਬਟਨ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਡਾਇਲੋਗ ਬਾਕਸ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ, ਟੇਬਲ ਟੈਬ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਮੁਤਾਬਕ ਖੱਬੇ ਲੈਫਟ ਰਾਈਟ ਸੱਜੇ ਜਾਂ ਸੈਂਟਰ ਵਿਚਕਾਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ ਅਤੇ ਓਕੇ ਬਟਨ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।
इस तरह तुहाडे टेबल जिहड़ी अलाइनमेंट आ उह सैट हो जाएगी। अगे साडे कोल पार्ट नंबर दो दीआं खाली थावां भरोआं। पहली साडे कोल इंटरनेशनल नैटवर्क ऑफ कंप्यूटर नूं डैश किया जांदा है। साडे कोल जो ऑप्शन ने अरपानैट, इंटरनैट, इंटरानैट या ईथरनैट, तो साडे कोल जो सही उत्तर है इंटरनेशनल नैटवर्क ऑफ कंप्यूटर नूं इंटरनैट किया जांदा है। उस तो बाद साडे कोल दूसरा खाली थां है डबल्यू 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 का मतलब है डैश, तो साडे कोल जो ऑप्शन ने वर्ल्ड वाइड वैब, वर्ल्ड वैब वाइड या वैब वर्ल्ड वाइड या वाइड वैब वर्ल्ड, तो साडे कोल सही उत्तर है डबल्यू 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 का मतलब है वर्ल्ड वाइड वैब। तीसरा साडे कोल है डैश द्वारा ऑनलाइन इंटरनेट से गलबात की जाती है, साडे कोल जो ऑप्शन है ई कमर्स, चैटिंग, ईमेल या वर्ल्ड वाइड वैब, तो साडे कोल सही उत्तर है चैटिंग द्वारा ऑनलाइन इंटरनेट पर गलबात की जाती है। अगे साडे कोल चौथी खाली थान है डैश मेल भेजने का सब तो तेज तरीका है, तो साडे कोल जो ऑप्शन ने टैलीग्राम, वट्सएप, आई एस पी या ईमेल, तो साडे कोल सही उत्तर है ईमेल मेल भेजने का सब तो तेज तरीका है। अगे साडे कोल पंजवीं खाली थान है डैश एक यंत्र है जो कंप्यूटर नूं टैलीफोन लाइन नाल जोड़ता है, तो साडे कोल जो ऑप्शन है मॉडा, माउस, टैलीफोन या मोबाइल, तो साडे कोल सही उत्तर है मॉडम एक यंत्र है जो कंप्यूटर नूं टैलीफोन लाइन नाल जोड़ता है। अगे साडे कोल सही गल दसो, तो पहला साडे कोल सही गलत है वैब पेजा वैब पेज वैबसाइट के समूह नूं कहिंदे हन गलत, दूसरा इंटरनेट एक्सप्लोरर आई एस पी के नाम नूं कहा जाता है गलत, तीसरा है फेसबुक एक प्रसिद्ध सोशल नैटवर्किंग साइट है सही, चौथा है इंटरनेट कंप्यूटर नैटवर्क द्वारा संचार करते हैं सही, पंजवा है वैबसाइट एक सॉफ्टवेयर है जो वैब तो सूचना देखने लिए वरत्या जाता है गलत। अगे साडे कोल छोटे उत्तर वाले प्रश्न, पहला प्रश्न है इंटरनेट नूं इंटरनेशनल नैटवर्क ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है, इस नूं नैटवर्क ऑफ नैटवर्क भी कहा जाता है, ये सारे संसार विच फैले लखां कंप्यूटरां तों बनिया है, इंटरनेट कंप्यूटर नैटवर्क द्वारा संचार करते हैं, भारत में इंटरनेट सेवावां 15 अगस्त 1995 VSNL नाँ की एक सरकारी कंपनी द्वारा शुरू की गई सन। दूसरा प्रश्न है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर की उदाहरण दो, सो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ISP भी कहा जाता है, यो कंपनियां होंदियां हन जो सानू इंटरनेट वरतण की सुविधा मुहैया करवांदियां हन। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर दीआं उदाहरणां हेठां हन जिवें पहला है BSNL, एयरटैल, जियो, तो चौथा है आइडिया। तीसरा प्रश्न है ई कमर्स तो तुसीं की समझते हो, सो ई कमर्स का पूरा नाम इलैक्ट्रॉनिक कमर्स है, इंटरनेट की वरतों करते हुए व्यापार करन नूं ई कमर्स कहा जाता है, ई कमर्स की मदद नाल असीं किसी भी समय घर बैठे कोई भी चीज़ खरीद सकते हैं, जिमें कि इस विच कुछ प्रमुख वैबसाइटा हैं Amazon, Flipkart, Snapdeal आदि कुछ मशहूर ई कमर्स वैबसाइटा दियाँ उदाहरण हैं। चौथा प्रश्न है डबल्यू 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 की है दसो, डबल्यू 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 का पूरा नाम है वर्ल्ड वाइड वैब, इसनों वैब या W3 के नाल भी जाने जाता है, ये वैब सर्वर का एक समूह होंदा है जिस भी सूचना वैब पेजा विच स्टोर किया जाता है, हरेक वैब पेज का एक एड्रैस होंदा है जिस विच सूचना वैब पेजा विच स्टोर किया जाता है, हरेक वैब पेज का एक एड्रैस होंदा जिसनों URL भी कहा जाता है, वैब पेजा देखने लिए वैब ब्राउजर की वरतों की जाती है, फायरफॉक्स, गूगल क्रोम आदि वैब ब्राउजर की कुछ उदाहरण हैं। उस तो बाद इंटरनेट कनैक्शन दी किस्म दसो, इंटरनेट कनैक्शन कई किस्मों में उपलब्ध हैं जिमें कि पहला है डायलअप कनैक्शन, ब्रॉडबैंड कनैक्शन, वायरलैस कनैक्शन, DSL कनैक्शन। छेवां प्रश्न है ईमेल बारे दसो, सो ईमेल का पूरा नाम इलैक्ट्रॉनिक मेल है, ये मेल भेजने का सब तो तेज तरीका है, इसकी वरतों नाल असीं दुनिया में किसी भी व्यक्ति को किसी भी समय संदेश भेज या प्राप्त कर सकते हैं, ईमेल राही टैक्सट, तस्वीर या किसी भी किस्म की फाइल भेजी या प्राप्त की जा सकती है, ईमेल भेजन और प्राप्त करने ईमेल एड्रैस की जरूरत पैंदी है, जीमेल और याहू ईमेल सेवावां मुहैया कराने वाली वैबसाइटा हैं।
ਸੱਤਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਵੈਬ ਸਰਚਿੰਗ ਕੀ ਹੈ? ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ, ਸਰਚਿੰਗ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕੁਝ ਲੱਭਣਾ। ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਅਣਗਿਣਤ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਵੈਬ ਪੇਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਉਪਲਬਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵੈਬ ਪੇਜਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸੂਚਨਾ ਲੱਭਣਾ ਵੈਬ ਸਰਚਿੰਗ ਕਹਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਵੈਬ ਪੇਜਾਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਸਰਚ ਇੰਜਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਚ ਇੰਜਨ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਵੈਬ ਪੇਜਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਇੱਕੋ ਥਾਂ ਤੇ ਇਕੱਤਰ ਜਾਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਗੂਗਲ ਸਰਚ ਇੰਜਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸਰਚ ਇੰਜਨ ਹੈ। ਅੱਠਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ? ਤੋ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਮੁੱਖ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਨੇ, ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਇੱਕ ਪਰਸਨਲ ਕੰਪਿਊਟਰ, ਦੂਸਰਾ ਜਾਂ 128 MB ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰੈਮ, ਤੀਸਰਾ ਜਾਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਲਾਈਨ ਕਨੈਕਸ਼ਨ, ਅਤੇ ਲਾਸਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੋਡਮ। ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੱਡੇ ਉਤਰਾ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਮੋਡਮ ਕੀ ਹੈ, ਮੋਡਮ ਦੀ ਕਿਸਮਾਂ ਅਤੇ ਰਫਤਾਰ ਦੱਸੋ। ਸੋ ਮੋਡਮ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਂ ਹੈ ਮੋਡੂਲੇਟਰ ਡੀਮੋਡੂਲੇਟਰ। ਇਹ ਇੱਕ ਸੰਚਾਰ ਯੰਤਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਗਨਲ ਨੂੰ ਐਨਾਲੋਗ ਸਿਗਨਲ ਅਤੇ ਐਨਾਲੋਗ ਸਿਗਨਲ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਗਨਲ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੋਡਮ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਨੇ। ਮੋਡਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮੋਡਮ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਬਾਹਰੀ ਮੋਡਮ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮੋਡਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਅੰਦਰੂਨੀ ਮੋਡਮ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਬਾਹਰੀ ਮੋਡਮ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਬਾਹਰੀ ਮੋਡਮ। ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਯੰਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮੋਡਮ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੋਡਮ ਦੀ ਰਫਤਾਰ 56 kbps ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੂਸਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਨੈਟਵਰਕ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਕੰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੀਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਚੌਥਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਵਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਛੇਵਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਰੇਲਵੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਵੀ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੱਤਵਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਨੈਟਵਰਕਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੀਸਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸੋ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਈਮੇਲ। ਈਮੇਲ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਈਮੇਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਚੈਟਿੰਗ। ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਨੂੰ ਚੈਟਿੰਗ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਈ ਕਮਰਸ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਨੂੰ ਈ ਕਮਰਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਚਿੰਗ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਉੱਪਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੱਭਣ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਨੂੰ ਸਰਚਿੰਗ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਵਾਂ ਹੈ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ। ਇਹ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੈਬ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਛੇਵਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਾਊਨਲੋਡਿੰਗ। ਇਹ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਆਪਣੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਉੱਪਰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਠ ਨੰਬਰ 3 ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲੀ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਹੈ, ਡੈਸ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕੰਪਿਊਟਰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੋਂ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੇ, ਅਪਲੋਡਿੰਗ, ਡਾਊਨਲੋਡਿੰਗ, ਸਰਫਿੰਗ ਜਾਂ ਸਰਚਿੰਗ। ਤੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸਦਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਡਾਊਨਲੋਡਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕੰਪਿਊਟਰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੋਂ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੂਸਰੀ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਹੈ, ਵੈਬਸਾਈਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੇਜ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਪੇਜ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਡੈਸ਼ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸਦੇ ਆਪਸ਼ਨ ਨੇ ਹੋਮ ਪੇਜ, ਵੈਬ ਪੇਜ, ਮੇਨ ਪੇਜ ਜਾਂ ਫਰੰਟ ਪੇਜ। ਸੋ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਪੇਜ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਹੋਮ ਪੇਜ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੀਸਰੀ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਹੈ, ਡੈਸ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇੰਟਰਨੈਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣਾ। ਤੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸਦੇ ਆਪਸ਼ਨ ਨੇ ਆਫਲਾਈਨ, ਆਨਲਾਈਨ, ਇਨਲਾਈਨ ਜਾਂ ਈਮੇਲ। ਤੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸਦਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਆਨਲਾਈਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇੰਟਰਨੈਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣਾ। ਚੌਥੀ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਹੈ, ਡੈਸ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾਣਾ। ਤੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸਦੇ ਆਪਸ਼ਨ ਨੇ ਸਰਫਿੰਗ, ਸਰਚਿੰਗ, ਡਾਊਨਲੋਡਿੰਗ ਜਾਂ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸਦਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਸਰਫਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇੱਕ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾਣਾ। ਪੰਜਵੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਹੈ, ਡੈਸ਼ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ
ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕਮਰਸ ਹੈ ਜੋ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਈ ਕਮਰਸ, ਈਮੇਲ, ਈ ਗਵਰਨੈਂਸ ਅਤੇ ਮੋਡਮ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਦਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਈ ਕਮਰਸ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕਮਰਸ ਹੈ ਜੋ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੋਰਡ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਨਲਾਈਨ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਹੀ। ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਜੇਕਰ ਆਫਲਾਈਨ ਹਾਂ ਤਾਂ ਵੈਬ ਸਰਫਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਗਲਤ। ਤੀਸਰਾ ਹੈ ਵੈਬਸਾਈਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਵੈਬ ਪੇਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗਲਤ। ਚੌਥਾ ਹੈ ਵੈਬ ਸਰਚ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੈਬ ਪੇਜਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਹੀ। ਪੰਜਵਾਂ ਹੈ ਹਰ ਵੈਬ ਪੇਜ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵੈਬਸਾਈਟ ਐਡਰੈਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਹੀ। ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਛੋਟੇ ਉਹਦੇ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ ਗਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਕੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉੱਤਰ ਹੈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਅਤੇ ਸੋਫਟਵੇਅਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਨ, ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਦੀ ਅਦਲਾ ਬਦਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਪਾਰਿਕ ਡਾਟਾ, ਆਵਾਜ਼ਾਂ, ਵਾਰਤਾਲਾਪਾਂ, ਫੋਟੋ, ਗਤੀਮਾਨ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਮਲਟੀਮੀਡੀਆ, ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ, ਸਾਂਭਣ, ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਵਰਤਣ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਵੈਬਸਾਈਟ ਕੀ ਹੈ? ਸੋ ਵੈਬਸਾਈਟ ਵੈਬ ਪੇਜਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਵੈਬਸਾਈਟ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੈਬ ਪੇਜ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਵੈਬ ਪੇਜ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪੇਜ ਨੂੰ ਹੋਮ ਪੇਜ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲਿੰਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਵੈਬ ਪੇਜਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਰ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਐਡਰੈਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ URL ਯਾਨੀ ਕਿ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਰਿਸੋਰਸ ਲੋਕੇਟਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ URL ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਤੀਸਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਮੋਬਾਈਲ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ? ਸੋ ਮੋਬਾਈਲ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਭਾਗ ਹੈ। ਇਸਨੇ ਸੰਚਾਰ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਆਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੌਥਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਆਨਲਾਈਨ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕੀ ਹੈ? ਸੋ ਆਨਲਾਈਨ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਵਪਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਉਪਭੋਗਤਾ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਫਰੋਖਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਨਲਾਈਨ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਨਲਾਈਨ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਅਸੀਂ ਨੈੱਟ ਬੈਂਕਿੰਗ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ, ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਕੈਸ਼ ਔਨ ਡਿਲੀਵਰੀ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਨੈੱਟ ਬੈਂਕਿੰਗ ਕੀ ਹੈ? ਸੋ ਨੈੱਟ ਬੈਂਕਿੰਗ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਬੈਂਕਿੰਗ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੈੱਟ ਬੈਂਕਿੰਗ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨੈੱਟ ਬੈਂਕਿੰਗ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਈ ਕੰਮ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਨੈੱਟ ਬੈਂਕਿੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪੈਸੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਿੱਲ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਦਿ। ਛੇਵਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਡਾਊਨਲੋਡਿੰਗ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਸੋ ਡਾਊਨਲੋਡਿੰਗ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਜਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਤੋਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੋਂ ਕਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਡੀਓ, ਵੀਡੀਓ ਜਾਂ ਹੋਰ ਡਾਟੇ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੱਤਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਵੈਬ ਸਰਫਿੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਸੋ ਵੈਬ ਸਰਫਿੰਗ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿਸੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਟ ਉੱਤੇ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣਾ। ਵੈਬ ਪੇਜਾਂ 'ਤੇ ਬਣੇ ਲਿੰਕ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪੇਜ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਪੇਜ 'ਤੇ ਆ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਵੱਡੇ ਉੱਤਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ। ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਆਨਲਾਈਨ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇਖਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸੋ। ਸੋ ਆਨਲਾਈਨ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇਖਣ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਵੈਬ ਬਰਾਊਜ਼ਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੂਗਲ ਕਰੋਮ ਜਾਂ ਮੋਜ਼ੀਲਾ ਫਾਇਰਫੋਕਸ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹੋ। ਐਡਰੈਸ ਬਾਰ ਉੱਤੇ ਵੈਬ ਐਡਰੈਸ ਟਾਈਪ ਕਰੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ www.pseb.ac.in ਅਤੇ ਐਂਟਰ ਕੀ ਦਬਾਓ। ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਪਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਮੈਟ੍ਰਿਕੁਲੇਸ਼ਨ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਰਿਜ਼ਲਟ ਉੱਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਈਅਰ ਆਫ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਾਲ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ। ਫਾਈਂਡ ਰਿਜ਼ਲਟ ਉੱਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਸਾਡਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਟ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਸਰਫਿੰਗ ਅਤੇ ਸਰਚਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ? ਜਵਾਬ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ।
सर्फिंग का अर्थ है किसी वैबसाइट में देखना, जबकि सर्चिंग का अर्थ है जानकारी में लभना। दूसरा है ये सर्चिंग तो बाद लोड़ी वैबसाइट देखने की प्रक्रिया है, जबकि सर्चिंग उस समय वरती जाती है जो सू सर्च की जाने वाली जानकारी के वैब पेजा का URL का पता नहीं हों। तीसरा पॉइंट है सर्फिंग वास्ते सर्च इंजन की वरतों जरूरी नहीं है, जबकि सर्चिंग वास्ते सर्च इंजन की वरतों जरूरी है। अगे साढ़े को ऑनलाइन और ऑफलाइन में की फर्क है, सो आओ असं दोनों जो अंतर जान लें। ऑनलाइन का अर्थ है इंटरनेट नाल जुड़े होना, जबकि ऑफलाइन का अर्थ है इंटरनेट नाल जुड़े ना होना। दूसरा पॉइंट है ऑनलाइन में फाइलों इंटरनेट की वरतों नाल वैब सर्वर उपर खोलियां जा, जबकि ऑफलाइन में फाइलों इंटरनेट की वरतों बिना कंप्यूटर में या कंप्यूटर उपर ही खोलियां जा। अगर चौथा प्रश्न है इनफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जरूरत की व्याख्या करो, सो इनफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जरूरत के कारण हेठ लिखे अनुसार हैं। पहला है व्यापार अते उद्योगों लई, व्यापार अते उद्योगों विच काम कार नूं सौखा करन लई इनफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जरूरत पैंदी है। दूसरा है घरां विच सिक्ख्या संचार अते मनोरंजन लई इनफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जरूरत पैंदी है। तीसरा है सिखलाई लई, स्कूलों कॉलेजों अते होर वख वख खेत्रां विच सिखलाई प्राप्त करन लई भी इनफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जरूरत या वरतों की जाती है। अगे साढ़े को आ गए पार्ट नंबर चार दी खाली थावां भरो। सो पहली खाली थां है साढ़े को डैश एक प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है, साढ़े को ऑप्शन है पावर पॉइंट एक्सल वर्ड या पेंट। तो साढ़े को सही उत्तर है पावर पॉइंट एक प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है। दूसरा है पावर पॉइंट के डैश व्यू हैं, साढ़े को ऑप्शन है 3, 4, 5 या 6। साढ़े को सही उत्तर है पावर पॉइंट के 5 व्यू हैं। तीसरा साढ़े को खाली थान है डैश व्यू में तुम स्लाइड विचली समगरी की कांट शाट नहीं कर सकते, तो साढ़े को ऑप्शन है स्लाइड शो, नॉर्मल स्लाइड सॉर्टर या कोई भी नहीं। साढ़े को सही उत्तर है स्लाइड सॉर्टर व्यू में तुम स्लाइड विचली समगरी की कांट शाट नहीं कर सकते। उस तो बाद साढ़े को चौथी खाली थान है प्रेजेंटेशन डैश तरीक़े राही बनाया जा सकता है, साढ़े को ऑप्शन है 5, 6, 7 या 8। साढ़े को सही उत्तर है प्रेजेंटेशन 6 तरीक़े राही बनाया जा सकता है। अगे साढ़े को पंजवा प्रश्न है समार्ट आर्ट दियाँ डैश श्रेणियां होंदिया हैं, साढ़े को ऑप्शन है 5, 6, 7 या 8। साढ़े को सही उत्तर है समार्ट आर्ट दियाँ 8 श्रेणियां होंदिया हैं। अगे साढ़े को सही गल दसो, पहला साढ़े को सही गलत है कंट्रोल प्लस एम की दी वरतों अपनी प्रेजेंटेशन विच नवीं स्लाइडा दाखिल करने लई कीती जांदी है, सही। दूसरा है वर्ड आर्ट पहला तो ही बने हुए रंग फोंट अते इफेक्ट होंदे हन, सही। तीसरा है स्लाइड टैब और पैन विच स्लाइड का छोटा व्यू थंबनेल मिलता है, गलत। चौथा है प्रेजेंटेशन सेव करने लई कंट्रोल प्लस एस की दबाओ, सही। लास्ट है प्रेजेंटेशन कई स्लाइडों को मिला के बनती है, सही। अगे साढ़े को हम छोटे उत्तर वाले प्रश्न, साढ़े को पहला प्रश्न है पावर पॉइंट की है। पावर पॉइंट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज का एक भाग है जिसनों माइक्रोसॉफ्ट कंपनी वालों बनाया गया है। पावर पॉइंट एक प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है जिसकी वरतों असी कंप्यूटर या मोबाइल राही स्लाइड विच फोटो या आवाज़ राही सूचना प्रभावशाली तरीके नाल प्रेजेंटेशन तैयार करने लई करते हैं। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन PPT भी कहा जाता है, इस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की फाइल एक्सटेंशन .PPTX होंगी है। दूजा प्रश्न है प्रेजेंटेशन ते नोट लिखो, सो दो या दो तो ज़्यादा स्लाइडा के कट नूं प्रेजेंटेशन कहा जाता है। एक वधिया प्रेजेंटेशन में 10 से 12 तक स्लाइडा हो सकती हैं, असी अपनी स्लाइड में एनीमेशन ऑडियो या वीडियो राही होर भी आकर्षक बना सकते हैं। प्रेजेंटेशन बनाने लई पावरपॉइंट सॉफ्टवेयर की वरतों की जा सकती है। तीसरा प्रश्न है प्रेजेंटेशन तैयार करने के अलग अलग तरीकों के नाम लिखो, सो प्रेजेंटेशन तैयार करने के अलग अलग तरीके हैं। साढ़े को पहला तरीका है ब्लैंक प्रेजेंटेशन, दूसरा रीसेट टैंपलेट, तीसरा सैंपल टैंपलेट, चौथा थीम्स,
पंजवा माई टैंपलेट, छेवा न्यू फ्रॉम एग्जिस्टिंग। चौथा प्रश्न है एनीमेशन की है। सो एनीमेशन पहला तो बने बनाए विजुअल इफेक्ट होंगे हैं अते ए प्रेजेंटेशन में प्रभावशाली बनाने लिए वरते जाते हैं। पावर पॉइंट विच इन्हां नूं किसी भी ऑब्जेक्ट ते वरतिया जा सकता है। जिस ऑब्जेक्ट ते एनीमेशन लगाया जाता है एनीमेशन स्कीम उस वस्तु नूं गतिमान कर देती है। एनीमेशन लगाउण लई सानूं एनीमेशन टैब की वरतों करनी पैंदी है। पंजवां प्रश्न है स्लाइड ते नोट लिखो। सो एक मूवी कई छोटे छोटे क्लिप तो मिलकर बनती है जिवें कि असीं जाणदे हां। उस तरह प्रेजेंटेशन एक तो वध स्लाइडा तो मिलकर बनती है। प्रेजेंटेशन दे इकल्ले पेज नूं स्लाइड किया जाता है। प्रेजेंटेशन बनाउण लई स्लाइड विच वक्ख वक्ख किस्मां दे ऑब्जेक्टां नूं वरत्या जा सकता है। पावर पॉइंट विच प्रेजेंटेशन बनाउण लई एक या एक तो वध स्लाइडा की वरतों की जाती है। उस तो बाद साडे कोल वड्डे उत्तर वाले प्रश्न। पहला प्रश्न है पावर पॉइंट विच उपलब्ध वक्ख वक्ख व्यू बारे जानकारी दिओ। सो पावर पॉइंट विच साडे कोल कुल पांच व्यू ने। पंजा व्यू बारे हम असं जानते हैं। पहला साडे कोल नॉर्मल व्यू, ये डिफॉल्ट अते मुख व्यू है। इस विच असी स्लाइड बना अते एडिट कर सकते हैं। दूसरा है स्लाइड सॉर्टर व्यू। इस व्यू विच स्लाइडा दे थंबनेल दिखाई देते हैं। इस विच असी स्लाइडा एडिट नहीं कर सकते। तीसरा है नोट्स व्यू। इस दी वरतों स्लाइड संबंधी जानकारी लिखने लिए की जाती है। चौथा है रीडिंग व्यू। इस व्यू की वरतों प्रूफ रीडिंग लिए की जाती है। पंजवा है मास्टर व्यू। ये व्यू मुख स्लाइडा होंगे हैं जिस विच प्रेजेंटेशन की सारी जानकारी मौजूद होंगी है। अगे साढ़े को दूसरा प्रश्न है हेठ लिखिया बारे संखेप नोट लिखो। पहला है एनीमेशन, दूसरा लेआउट, तीसरा स्लाइड ट्रांजिशन। पहला असं एनीमेशन बारे जानते हैं। एनीमेशन पहला तो बने बनाए विजुअल इफेक्ट होंगे हैं। इस दी वरतों प्रेजेंटेशन प्रभावशाली बनाने लिए की जाती है। पावर पॉइंट विच इन्हां नूं किसी भी वस्तु से लगाया जा सकता है। जिस वस्तु पर एनीमेशन लगाई जाती है ये उस वस्तु नूं गतिमान कर देंदे हन। एनीमेशन लगाउण लई एनीमेशन टैब की वरतों की जाती है। दूसरा साडे कोल लेआउट। एक सधारण डिजाइन हुंदा है। लेआउट स्लाइड उपर वक्ख वक्ख ऑब्जेक्टा दी स्थिति नूं दर्शाउंदा है। पावरपॉइंट सानूं आसानी नाल स्लाइडा बनाउण लई वक्ख वक्ख किस्मां दे लेआउट प्रदान करदा है। किसी स्लाइड दे लेआउट उपर टाइटल, टेबल, चार्ट, क्लिप आर्ट, समार्ट आर्ट, तस्वीर आदि हो सकते हैं। तीसरा है स्लाइड ट्रांजिशन। प्रेजेंटेशन दौरान एक स्लाइड तो बाद दूजी स्लाइड आने वेले जो विजुअल इफेक्ट वरते जाते हैं उन्होंने स्लाइड ट्रांजिशन कहा जाता है। पावर पॉइंट सानू स्लाइड ट्रांजिशन लिए वक् वक् किस्म के विजुअल इफेक्ट प्रदान करता है। प्रेजेंटेशन विच स्लाइड ट्रांजिशन लगाउण लई एनीमेशन टैब की वरतों की जाती है। अगे साढ़े कोल पार्ट नंबर पांच दी खाली थावां भरो। पहली साढ़े कोल खाली थां है ग्रेडियंट ऑप्शन डैश डायलॉग बॉक्स विच हुंदा है। साढ़े कोल इसदे ऑप्शन ने फॉरमेट शेप, फॉरमेट बैकग्राउंड, पैराग्राफ या फॉन्ट। सो ग्रेडियंट ऑप्शन फॉरमेट बैकग्राउंड डायलॉग बॉक्स विच हुंदा है। दूसरा प्रश्न है वीडियो नूं डैश तरीकियां नाल दाखिल किया जा सकता है। साढ़े कोल इसदे ऑप्शन एक, दो, तीन या चार। सो वीडियो नूं तीन तरीकियां नाल दाखिल किया जा सकता है। उस तो बाद साढ़े कोल तीसरा पॉइंट है क्लिप आर्ट वीडियो, वीडियो फ्रॉम वैबसाइट अते डैश तीन तरीके हैं जिस नाल वीडियो दाखिल की जा सकती है। साढ़े कोल जो ऑप्शन है वीडियो फ्रॉम फाइल, इमेज राही, एनिमेशन राही या सारे। साढ़े कोल सही उत्तर है क्लिप आर्ट वीडियो, वीडियो फ्रॉम वैबसाइट अते वीडियो फ्रॉम फाइल। ये तीन तरीके हैं जिस नाल वीडियो दाखिल की जा सकती है। अगे साढ़े कोल चौथी खाली थां है वर्ड डॉक्यूमेंट बिटमैप वर्कशीट नूं डैश ऑप्शन नाल दाखिल किया जाता है। साढ़े कोल इसदे ऑप्शन ने इंसर्ट टैब, व्यू टैब, होम टैब या कोई भी नहीं। वर्ड डॉक्यूमेंट बिटमैप वर्कशीट नूं इंसर्ट टैब ऑप्शन नाल दाखिल किया जाता है। उस तो बाद साढ़े कोल पंजवीं खाली थां है बैकग्राउंड स्टाइल बटन डैश रिबन ते उपलब्ध है। साढ़े कोल इसदे ऑप्शन ने एनीमेशन, डिजाइन, होम या इंसर्ट।
सो बैकग्राउंड स्टाइल बटन डिजाइन रिबन ते उपलब्ध है। अगे साडे कोल सही गल दसो, पहला साडे कोल पॉइंट है थीम्स, पहला तो ही परिभाषित बैकग्राउंड डिजाइन टैक्सटाइल कलर होंगे हैं, सही। दूसरा है पावर पॉइंट विच वक्ख वक्ख तरह के ऑब्जेक्ट दाखिल नहीं होंगे हैं, गलत। तीसरा है कलर स्कीम स्लाइडा ते लागू नहीं होंगी, गलत। चौथा है क्लिप ऑर्गेनाइजर एनिमेटेड क्लिप नूं स्टोर करने लिए वरत्या जाता है, सही। अगे साढ़े कोल छोटे उत्तर वाले प्रश्न, पहला प्रश्न है स्लाइड की दिख नूं बदलने लिए वक्ख वक्ख तरीके दे नां दसो। सो स्लाइड की दिख नूं बदलने लिए साढ़े कोल वक्ख वक्ख तीन तरीके हैं, पहला है डिजाइन थीम बदलना, दूसरा कलर स्कीम बदलना, तीसरा है बैकग्राउंड स्टाइल बदलना। उस तो बाद साढ़े कोल दूसरा प्रश्न है कलर स्कीम की वरतों बारे दसो। सो कलर स्कीम की वरतों करते हुए असी प्रेजेंटेशन विच टैक्सट लाइना टाइटल आदि का रंग बदल सकते हैं। कलर स्कीम राही असी स्लाइड का अगला ते पिछला रंग भी बदल सकते हैं। उस तो बाद साढ़े कोल प्रश्न नंबर तीन है क्लिप ऑर्गेनाइजर बारे दसो। सो क्लिप ऑर्गेनाइजर की वरतों एनीमेटेड क्लिप वीडियो तस्वीर होर मीडिया स्टोर करने लिए की जाती है, इस विच क्लिप गैलरी क्लिप आर्ट की तरह एक एनीमेटेड क्लिप होंदा है। चौथा प्रश्न है पावर पॉइंट विच दाखिल होने वाले वक्ख वक्ख ऑब्जेक्ट के नाम लिखो। सो पावर पॉइंट विच दाखिल होने वाले वक्ख वक्ख ऑब्जेक्ट हैं साढ़े को, जिवें पहला है वर्कशीट, दूसरा बिटमैप इमेज, तीसरा एक्सेल फाइल, चौथा पिक्चर, पांचवा क्लिप आर्ट। उस तो बाद साढ़े कोल है वड्डे उत्तर वाले प्रश्न, वीडियो नूं अपनी प्रेजेंटेशन विच दाखिल करन दे स्टैप दसो। सो वीडियो नूं अपनी प्रेजेंटेशन विच दाखिल करन दे साढ़े कोल स्टैप हन। पहला पॉइंट, उस स्लाइड की चोन करो जिथे तुसीं अपनी वीडियो फाइल शामिल करना चाहते हो, फिर इंसर्ट टैब की चोन करो, मीडिया ग्रुप विच वीडियो कमांड ते क्लिक करो, फाइल ऑप्शन वीडियो की चोन करो जिस विच इंसर्ट वीडियो डायलॉग बॉक्स नज़र आएगा। जिस ड्राइव में साड़ी फाइल है उस जगह जाके उस फाइल की चोन करो, फाइल ते क्लिक करो, ओके ते क्लिक करो, स्लाइड में जिहड़ी वीडियो है वह शामिल हो जाएगी। उस तो बाद दूसरा प्रश्न है बैकग्राउंड स्टाइल नूं बदलन दे स्टैप दसो। सो बैकग्राउंड स्टाइल नूं बदलन दे स्टैप साढ़े कोल, पहला पॉइंट है डिजाइन टाइम टैब दे बैकग्राउंड स्टाइल बटन ते क्लिक करो, माउस नूं जिस बैकग्राउंड स्टाइल उत्ते लैके जावोगे सानूं बैकग्राउंड स्टाइल स्लाइड उत्ते दिखाई देवेगा। जो सानू अपनी पसंद का बैकग्राउंड स्टाइल मिल जाए तो माउस नाल उस बैकग्राउंड स्टाइल उत्ते क्लिक करो, वह लागू हो जाएगा। तीसरा साढ़े को प्रश्न है स्लाइड की बैकग्राउंड विच तस्वीर लगाउण दे स्टैप दसो। स्लाइड की बैकग्राउंड विच तस्वीर लगाउण दे साढ़े को स्टैप हैं, पहला है डिजाइन टैब विच बैकग्राउंड स्टाइल बटन ते क्लिक करो, फॉर्मेट बैकग्राउंड उत्ते क्लिक करो, फिल ऑप्शन विच पिक्चर या टैक्सचर फिल ऑप्शन की चोन करो, इनसर्ट फ्रॉम फाइल ऑप्शन की चोन करो, जेकर तुसी इनसर्ट फ्रॉम फाइल ऑप्शन की चोन करते हो तो इनसर्ट पिक्चर डायलॉग बॉक्स खुलेगा, उस विचों अपनी पसंद की पिक्चर सिलेक्ट करो, अपलाई टू ऑल स्लाइड उत्ते क्लिक करो, क्लोज बटन ते क्लिक करो, स्लाइड विच जिहड़ी पिक्चर है वह इनसर्ट या लागू हो जाएगी। उस तो बाद साढ़े कोल चौथा प्रश्न है पावरपॉइंट विच ऑब्जेक्ट दाखिल करन दे स्टैप दसो। सो पावरपॉइंट विच ऑब्जेक्ट दाखिल करन दे साढ़े कोल जिहड़ी स्टैप है, जिस विच साढ़े कोल पहला पॉइंट है जिथे असी स्लाइड विच ऑब्जेक्ट दाखिल करना चाहते हाँ उत्थे क्लिक करो, इनसर्ट टैब दे टैक्सचर ग्रुप विच ऑब्जेक्ट ऑप्शन उत्ते क्लिक करो, इनसर्ट ऑब्जेक्ट डायलॉग बॉक्स दिखाई देवेगा। जिहड़ा ऑब्जेक्ट सानू चाहिदा है जिवें कि बिटमैप वर्डपैड डॉक्यूमेंट आदि, उसनू सिलेक्ट करो, ओके बटन ते क्लिक करो। तो इस तरह नाल तुसीं पावरपॉइंट विच ऑब्जेक्ट नूं दाखिल कर सकते हो। सो विद्यार्थियों जेकर तुहानूं इह वीडियो वधिया लगी अते तुसीं चाहुंदे हो किसे तरह तुहानूं कंप्यूटर विषय नाल संबंधित जिहड़ी वीडियोज़ है वह मिलदियां रहन, तो तुसीं इस चैनल नूं लाइक सबसक्राइब अते शेयर करना ना भुल्लियो। धन्यवाद।